चलिए बच्चों, हम लोग अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में, जिसका नाम है कोरोजन। अब क्वेश्चन ये होता है कि कोरोजन क्या होता है। देखिए, मेटल रिएक्शन करता है और मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होती है। तो जब भी कोई मेटल किसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपने दूसरे मेटेलिक साल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हमने कह दिया कैल्शियम या सीएल के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ये कैल्शियम का साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट है। तो उसी तरह से बहुत सारे मेटल हैं और जब मेटल इस प्रकार से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट इतने रूपों में ट्रांसफर होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। मतलब व्हेन एन मेटल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटल ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, कार्बोनेट ईटीसी कॉल्ड कोरोजन। तो मेटल का इतने रूपों में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। जैसे अगर हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक मेटल का एग्जांपल ले लें, जैसे आयरन। तो आयरन को आपने कितने रूपों में देखा होगा, या फिर Cl2 और FeCl3 के रूप में देखा होगा आपने, या फिर SO4 के रूप में देखा होगा आपने, आपने यफी आपने फेरिक ऑक्साइड के रूप में देखा होगा, आपने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड के रूप में देखा होगा, बहुत सारे रूप में देखा। लेकिन आपने देखा होगा कि यही आयरन अलग अलग रूपों में चेंज हुआ है। तो जब मेटल इतने सारे रूपों में चेंज होता है तो मेटल के इन्हीं फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं कोरोड करना, ये कहलाता है कोरोजन। लेकिन इसमें एक स्पेशल पर्टिकुलर वर्ड आता है, रस्टिंग। रस्टिंग जो वर्ड है बच्चों, केवल केवल आयरन के लिए किया जाता है कि वेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर फॉर रेड और ब्रिक कलर, ब्रिक रेड कलर पाउडर्ड ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर वो पाउडर फॉर्म में अगर जमा होता है तो उसी पाउडर फॉर्म आयरन ऑक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अगर इसके वो देखना चाहें, एग्जांपल देखना चाहें, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ कंबाइन करता है, H2 बनता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6, ये 3 हो जाएगा, ये कहलाता है रस्ट। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयरन का
ऑक्साइड के रूप में खराब होना ही क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। और जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है भाई? रेंसिडिटी ये है कि व्हेन ए फूड आर्टिकल्स, अब जैसे मैं तो फूड होगा तो फूड में तेल होगा और तेल इन्वायरमेंट के वाटर वेपर से क्या कहते हैं, मॉइस्चराइज्ड होगा, और जब मॉइस्चराइज होगा तो वो डिकम्पोज होगा, और अगर वो डिकम्पोज होगा तो उसमें से बैड स्मेल आनी शुरू कर देती है, और उन्हीं बैड स्मेल की वजह से तो फूड आर्टिकल खाने योग्य नहीं रह जाता है, और जो फूड आर्टिकल खराब हो जाता है तो उन्हीं के लिए वर्ड यूज किया गया रेंसिड। व्हेन फूड आर्टिकल कम इन एक्सपोजर, कमिंग एक्सपोजर विथ एयर एंड मॉइस्चर, हवा और नमी का दोनों के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए तो इट प्रोड्यूस ए बैड स्मेल। जब वो बैड स्मेल देना प्रोड्यूस करे तो इस प्रोसेस में फूड आर्टिकल जब खराब होना शुरू करता है इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम रेंसिडिटी को किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो रोकने के लिए हमें कई सारे मेथड करने पड़ते हैं, जैसे है नाइट्रोजन पैकेजिंग। नाइट्रोजन बहुत हल्की होने की वजह से ये बहुत तेजी से इन्वायरमेंट में फैल जाती है, अगर आपने देखा होगा जो भी आपने चिप्स उसके पैकेट खाए होंगे तो उसमें हवा भरी होती है, दरअसल वो हवा नहीं, दरअसल वो ही नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन हवा को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है जिसकी वजह से वो चीज़ खाने योग्य लंबे समय तक बनी रह जाती है, क्योंकि हवा रहेगी तो फूड आर्टिकल के साथ कंबाइन करेगा, और अगर कंबाइन करेगा तो उस पर से बैड स्मेल आनी शुरू कर देगी, तो नाइट्रोजन पैकेजिंग। दूसरा हाई साल्ट स्टोरेज। आपने देखा होगा मम्मी जब अचार बनाती होंगी तो अचार में नमक सबसे ज्यादा, वो नमक में उस अचार में नमक का परसेंटेज ज्यादा होना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो वहां से बैक्टीरियल एक्टिविटी को क्या कर देता, स्लो कर देता, इसमें हाई साल्ट देते हैं। तीसरा चीज हाई साल्ट स्टोरेज विथ टर्मरिक। अच्छा अचार बनाते हैं तो उसमें हाई साल्ट के साथ क्या डालती है, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज की जा सकती है। विनेगर, अगर हम लोग खाने पीने के आर्टिकल को विनेगर में डुबा के रखे आए, जैसे प्याज हुआ, अचार हुआ, अगर उनको विनेगर के साथ डिप्ड करके रखें तो भी वो लंबे समय तक के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किए जाते हैं। और आपने मार्केट में बहुत सारे फूड आर्टिकल्स देखे होंगे और उसने देखा होगा कि लंबी एक एक्सपायरी लिखी होती है, दरअसल वो एक्सपायरी इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि उनको एक एंटीऑक्सीडेंट जो आर्टिफिशियल होता है वो उनके साथ ऐड करके उनको उसमें डाल दिया जाता है, उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है सोडियम बेंजोएट। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपके फूड आर्टिकल लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। तो हम नाउएडेज मार्केट में जितने भी चीज़ें सेफ फूड प्रिजर्वेशन के लिए आती है उसमें हम वो लोग सोडियम बेंजोएट ऐड कर देते हैं। तो
तो ये रहा रेंसिडिटी और कोरोजन के प्रति एक एक लेक्चर। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।